इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एस्टिवेशन, डोरमेंसी, हाइबरनेशन एंड डाइपॉज के एग्जांपल्स को याद रखने की सिंपल सी ट्रिक को, जो कि एनसीईआरटी के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में दिया गया है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ट्रिक्स को देखने से पहले हम लोग एक बार इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एस्टिवेशन शो करता है स्नेल एंड फिश, डोरमेंसी शो करता है सीड, हाइबरनेशन शो करता है बियर एंड डाइपॉज शो करता है जू प्लैंकटन। एक बार और देखते हैं, एस्टिवेशन शो करता है स्नेल एंड फिश, डोरमेंसी शो करता है सीड एंड हाइबरनेशन शो करता है बियर एंड डाइपॉज शो करता है जू प्लैंकटन। अब चलिए इसको याद रखने की ट्रिक्स को देख लेते हैं। देखिए ट्रिक है, आंसू सेट फॉर स्वीट ड्रीम्स हर बेबी दिया एंड जूली, आंसू सेट फॉर स्वीट ड्रीम्स हर बेबी दिया एंड जूली। एक बार और देखते हैं, आंसू सेट फॉर स्वीट ड्रीम्स हर बेबी दिया एंड जूली। आंसू के ए से हम लोग याद रखेंगे एस्टिवेशन, सेट के एस से याद रखेंगे स्नेल एंड फॉर के एफ से याद रखेंगे फिश। ये हो गया हमारा एस्टिवेशन का एग्जांपल, स्नेल एंड फिश। नेक्स्ट स्वीट के एस से याद रखेंगे सीड, ड्रीम्स के डी से याद रखेंगे डोरमेंसी, तो डोरमेंसी का एग्जांपल हो गया हमारा सीड। हर के एच से याद रखेंगे हाइबरनेशन, बेबी के बी से याद रखेंगे बियर, ये हो गया हमारा हाइबरनेशन का एग्जांपल जो कि है बियर। दिया के डी से याद रखेंगे डाइपॉज एंड जूली के जेड से याद रखेंगे जू प्लैंकटन, सो ये हो गया हमारा डाइपॉज का एग्जांपल जो कि है जू प्लैंकटन। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं ट्रिक को, आंसू सेट फॉर स्वीट ड्रीम्स हर बेबी दिया एंड जूली, आंसू सेट फॉर स्वीट ड्रीम्स हर बेबी दिया एंड जूली। आंसू के ए से याद रखेंगे एस्टिवेशन, सेट के एस से याद रखेंगे स्नेल्स, फॉर के एफ से याद रखेंगे फिश, स्वीट के एस से याद रखेंगे सीड, ड्रीम्स के डी से याद रखेंगे डोरमेंसी, हर के एच से याद रखेंगे हाइबरनेशन, बेबी के बी से याद रखेंगे बियर, दिया के डी से याद रखेंगे डाइपॉज एंड जूली के जेड से याद रखेंगे जू प्लैंकटन।